सो गाइज, मैंने मुजासिस एंड यू आर वाचिंग रिसल स्ट्रोक। एले नाइट कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहा है गंथर पे, क्या गंथर डोमिनेट कर रहा है एले नाइट पे? तो आज की शुरू हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एनएक्सटी के स्टैंड एंड डिलीवर 2022 में जो हमें राइट नाउ एले नाइट वर्सेस गंथर का मैच देखने को मिल रहा है, इस मैच में क्या सीन है। लाइव मैच देख के हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करो, चैनल पे पहली बार मीट करो तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो और चलिए चले वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, आज के एनएक्सटी के स्टैंड एंड डिलीवर 2022 में हमें एले नाइट वर्सेस गंथर के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है, जो कि गाइज काफ़ी अच्छा है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि गंथर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट कर रहे हैं एले नाइट पे, यानी कि आप कह सकते हो कि जो इम्पीरियम के हेड मेंबर हैं, जिनको हम लोग किस नाम से जानते थे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वाल्टर के नाम से। और जिन लोगों को नहीं पता इसलिए मैं आपको बता दिया कि वाल्टर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट कर रहे हैं एले नाइट पे। और आज के एनएक्सटी के स्टैंड एंड डिलीवर 2022 में हमें एले नाइट वर्सेस गंथर के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गाइज ये वाला जो मैच है वो काफ़ी अच्छा अभी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एले नाइट पे कुछ ज़्यादा ही गंथर डोमिनेट कर रहा है। और मे बी हु नोज कि अगर ये वाला जो डोमिनेशन है वो अगर कंटिन्यू रहता है तो एले नाइट हार भी सकते हैं इस मैच को। और वैसे मुझे लग रहा है कि इस मैच को मे बी गंथर ही जीतने वाले हैं और एले नाइट इस मैच को हार जाएंगे। अगर इस मैच में अगर हमें इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है इम्पीरियम का तो कम चांसेस रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि इम्पीरियम का हमें इन्वेड देखने को मिल जाए। लेकिन देख लो, आज के एनएक्सटी के स्टैंड एंड डिलीवर 2022 में हमें एले नाइट वर्सेस गंथर के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिल रहा है, और इस मैच में चांसेस ज़्यादा हैं कि गंथर इस मैच को जीतने वाले हैं। बाकी जाओ, कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप मुझे जाके बता सकते हो। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स।